और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी कानपुर देहात में वृक्षारोपण महाअभियान 2023 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं। और इस दौरान नंदगोपाल नंदी ने वृक्षारोपण कर महाअभियान 2023 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। और वृक्षारोपण कार्यक्रम की तस्वीर आपके टेबल स्क्रीन पर है, जहां पर मंत्री कार्यक्रम का शुभारंभ करते नजर आ रहे हैं। और कार्यक्रम में कानपुर देहात पहुंचे मंत्री नंदगोपाल नंदी और इस दौरान वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम में शामिल हुए और वृक्षारोपण भी किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, जो इस देश के 30 करोड़ लोगों को अपना परिवार माने। दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसी के क्रम में आज इस गाँव में भी वृक्षारोपण हो रहा है। प्रदेश के 75 जिलों में सभी ब्लॉकों में बृहद वृक्षारोपण का एक अभियान चला है। और 2017 से 2022 में मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, सर्वोत्तम प्रदेश।